सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी पुडुचेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी की। तो एनआईटी पुडुचेरी हमारे कराईकल पुडुचेरी में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इसे 101 से 150 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। अब जितने भी नए कॉलेजेस, नए एनआईटी खुले हैं 2010 के बाद, मोस्ट ऑफ देम के पास अभी परमानेंट कैंपस नहीं है, टेम्पररी किसी दूसरे कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। बट इस कॉलेज के पास परमानेंट कैंपस है या फिर टेम्पररी कैंपस है, और कैंपस किस प्रकार का है, क्या कुछ अपडेट्स है, सारी चीजें वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल क्विकली जितना भी इंटरनेट पर डेटा है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे आराम से, इत्मीनान से, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का डेटा है जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 96.49 बढ़िया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 65.85 आपत्तिजनक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 77.05 ये भी कम है, और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो ओवरऑल 76.85%। मीडियन पैकेज ओवरऑल 7.55 LPA रहा है और एवरेज पैकेज ओवरऑल 8 LPA, हाईएस्ट पैकेज 42 LPA रहा है। अब अगर हम बात कर ले ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डेटा की, तो वो इन्होंने प्रॉपरली ऑफिशियली मेंशन नहीं कर रखा। अब किस तरीके से बताया है, तो इन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया था जिसमें ग्राफ में बस दिखाया है कि इसका इतना गया, उसका उतना गया, नंबर्स में नहीं लिख रखे, तो थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूं। अब मैं चाहता तो अनऑफिशियली भी कहीं और से डेटा ला सकता था, बट जब हमारे पास ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है तो फिर इधर उधर और हाथ पैर क्यों मारना। तो दिए गए ग्राफ से हम एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं प्रॉपरली आपको ये ग्राफ दिखा दूंगा बड़े स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा, बाकी सारा अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा। तो हम बात कर ले एवरेज पैकेज जो रेड कलर से दिखाया गया है, तो कंप्यूटर साइंस में लगभग 9.5 LPA के आसपास गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हमें ये लगभग लगभग 8.5 LPA देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 LPA या फिर लगभग वही 9 से 9.5 के आसपास, मैकेनिकल में ये हमें 6 LPA देखने को मिल रहा है या 6 से 7 के बीच समझ लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग में हमें ये 6.5 से 7 के बीच देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल हमने 8 LPA बात कर ही लिया था। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो 42 LPA गया था वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि 42 LPA था। फिर इसके बाद कंप्यूटर साइंस में आपका जो हमें देखने में आ रहा है 17 LPA के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 16 या फिर 15 से 16 के बीच रहा होगा, मैकेनिकल में 11 से 12 के बीच या फिर 11 मानकर चल सकते हो, सिविल में भी वही 11 से 12 या फिर लगभग 11 मानकर चल सकते हो। अब मैं वापस से बड़े स्क्रीन पर पूरा आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूं जिसमें आप मीन, मीडियन, मैक्सिमम, एवरेज सब कुछ अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर एनआईटी की तरह सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। जेईई मेंस में जो भी रैंक बना है उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर लेकर हम कट ऑफ की, तो हमारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर ले तो होम स्टेट में क्लोज हुआ था 75,175, वही अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 17,305। तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर अदर स्टेट में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा होम स्टेट के कंपेरिजन में। तो यहां दिक्कत बस ये आ जाती है इस तरीके के कॉलेजेस में कि 50% स्टूडेंट्स तो आपके होम स्टेट से ही रहने वाले हैं, तो 50% स्टूडेंट्स वैसे एक कैटेगरी में होंगे जो जिनका उतना जेईई मेंस में रैंक बढ़िया नहीं रहा होगा, और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स वैसे होंगे जिनका बहुत बढ़िया रैंक रहा होगा। तो एक स्टूडेंट पूल, एक स्टूडेंट कम्युनिटी में थोड़ा सा हमें गैप थोड़ा सा देखने को मिलता है, आप खुद समझ सकते हो। एक 50% कम्युनिटी होगा जो एक अलग रैंक बैरियर का है, और एक 50% कम्युनिटी एक अलग रैंक बैरियर। तो थॉट प्रोसेस में, मेहनत में, हर चीज में आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है इस प्रकार के कॉलेजेस में, जहां पर भी इतना अदर स्टेट और होम स्टेट के कट ऑफ में गैप देखने को मिलता है। बात कर ले अगर हम फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर एनआईटी की तरह इस एनआईटी में भी आपका ट्यूशन फी 62,500 पर सेमेस्टर लग रहा होगा। एससी एसटी कैंडिडेट हो कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा होगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, कोई ट्यूशन फी आपके लिए भी नहीं है, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहता है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका कोई ट्यूशन फी नहीं छूट रहा है तो भी 7.5 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा 4 साल का बीटेक हो जाएगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस फी, सब कुछ मिलाकर। बट अगर आपका पूरा ट्यूशन फी छूट रहा है उस केस में 2.5 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। तो फाइनली अब हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि 2010 में नया नया कॉलेज खुला है, नया नया एनआईटी है, तो जो भी एनआईटी 2010 के बाद खुले हैं
मोस्ट ऑफ देम अभी भी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, बताया जा रहा है 2 साल 3 साल 4 साल में वो अपने परमानेंट कैंपस में मूव कर जाएंगे, बट अभी भी टेम्पररी कैंपस में है। लेकिन एनआईटी पुडुचेरी अपने परमानेंट कैंपस जो कि इनका है 258 एकर्स का, वहां से ऑपरेट कर रहा है। बट ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6-7 साल, जितना मुझे ऑनलाइन रिव्यू में पता चला 6-7 साल पहले ही अपने ये परमानेंट कैंपस में मूव किए हैं। लेकिन भले ही अपने परमानेंट कैंपस में हो, इनका कैंपस काफी नया है तो बहुत सारे फैसिलिटीज की अभी भी कमी है। कितने सारे कॉलेज हमें देखने को मिलते हैं 20-20, 30-30, 40 साल पुराने हैं लेकिन आज की डेट में भी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो फैसिलिटीज की कमी है, धीरे धीरे फैसिलिटीज पूरी हो रही है, लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रॉपर नहीं है बट फिर भी अपना प्रॉपर एल्यूमिनाई स्पोर्ट्स मीट करवा लेते हैं, यानी कि इनफ है इनके पास, बास्केटबॉल कोर्ट्स है, फुटबॉल क्रिकेट ये सारी चीजें हो जाती हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्स खेल लेते हैं। लेकिन जो एक बढ़िया लेवल के आईआईटी एनआईटी या एवरेज आईआईटी एनआईटी में भी या फिर कॉलेजेस में आप देख पाते हो प्रॉपर स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अभी नहीं है। स्टूडेंट्स को और उम्मीदें हैं इस कॉलेज से कि अभी और बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बनना बाकी है। लाइब्रेरी है बट प्रॉपर बड़ा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार में लाइब्रेरी में नहीं आ पाते हैं। लेबोरेटरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स आपके हो जाएंगे। हॉस्टल्स की बात कर ले तो 2-सीटर रूम्स देखने को मिलते हैं, हॉस्टल्स फैसिलिटीज उतनी बढ़िया से मेंटेन नहीं है। मेस का खाना भी बिलो एवरेज बताया जाता है बट हाँ इतना होता है हर आईआईटी एनआईटी की तरह कि आप सर्वाइव कर लोगे, मतलब ऐसा खाना होगा कि आप शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा, 4 साल का बीटेक खत्म, उसके बाद बढ़िया पैकेज लीजिए, बढ़िया जगह जाइए, बढ़िया बढ़िया होटल रेस्टोरेंट या घर का खाना जहां भी खाना है खाइए, लेकिन 4 साल का बीटेक में आपको इस तरह का खाना मिल रहा होगा कि बस आप अपना बीटेक काट लो, सर्वाइव कर लो। और अगर हम बात कर ले इनके किस लोकेशन में लोकेटेड है, उस हिसाब से जो भी इनका कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी कुछ ऐसा है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इनका सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, कराईकाल रेलवे स्टेशन। इनका नियरेस्ट रेलवे जंक्शन जो है वो 37.5 किलोमीटर है, अगर मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, मयिलादुथुरल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और नियरेस्ट अगर एयरपोर्ट की बात कर ले तो 130 किलोमीटर पॉन्डिचेरी एयरपोर्ट, और नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर ले 153 किलोमीटर। अब यूजुअली जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए ऑन कैंपस विजिट करती है तो नॉर्मली फ्लाइट से आ रही होती, एयरपोर्ट उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है जो कि यहाँ काफी दूर है। तो खैर आज के डेट में तो बहुत सारे वर्चुअल आपके इंटरव्यूज, वर्चुअल एग्जाम्स होने चालू हो गए तो कंपनीज आ रही हैं। कोविड के बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन का भी उतना ट्रेंड नहीं था बट अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए हैं तो जिसके वजह से प्लेसमेंट्स धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सोच लो ऑफलाइन कितनी कंपनीज विजिट करती है तो काफी दिक्कत आने वाली है क्योंकि एयरपोर्ट फ्लाइट्स बहुत बड़े मेजर साधन हो रहे होते हैं कंपनीज के प्लेसमेंट्स के दौरान, तो वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट खैर कोई नहीं, अब ये कॉलेज कैसे मैनेज कर रहा है रेलवे स्टेशन से या फ्लाइट एयरपोर्ट से या फिर ऑनलाइन मोड में ही कॉलेज जाने, लेकिन प्लेसमेंट्स बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि यूजुअली जैसे अभी हमने एनआईटी उत्तराखंड की बात किया था उसमें प्लेसमेंट्स हमें उतने बढ़िया देखने को नहीं मिले थे जबकि वो भी 2010 में खुला है। खैर उसका लोकेशन और भी थोड़े से अजीब एरिया में है, हिली एरिया, थोड़ा सा अजीब सा लोकेशन है, तो उस हिसाब से ना तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट खराब है ना ही बहुत बढ़िया, बट हाँ एवरेज है, ठीक ठाक है। अच्छा अगर हम वापस अपने मेस के खाने पे आए, पेट पूजा फिर काम कोई दूजा, तो मेस का खाना तो हमने बता दिया बिलो एवरेज। कैंटीन का खाना कैसा, तो कैंटीन का खाना भी यहाँ एवरेज ही बताया जाता है बट ऊपर से पैसे बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को महंगा काफी लगता है, तो खाने पीने की थोड़ी सी इस कॉलेज में हमें दिक्कत देखने को मिलने वाली है। हाँ अगर इन फ्यूचर थोड़े बढ़िया कैंटीन, थोड़े बढ़िया कैफेज अगर सेटअप होते हैं कॉलेज में वो अलग बात है, बट अगर खाना हमने डिस्कस कर लिया, पानी कैसा है, तो पानी से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लेक्स आपको कैंपस के बीच में देखने को मिल जाएंगे। मतलब मैंने इनके गूगल मैप पे कुछ फोटोज देखे तो फोटोज में, ज्यादातर फोटोज में जो इनका रोड होगा कैंपस के अंदर, बहुत सारे रोड होते हैं उसके बगल में पूरा पानी पानी भरा हुआ है, हो सकता है बरसात के दिनों का फोटो बट बरसात में भी इतना पानी भर जाना अप्रोक्स आपको लगेगा हर तरफ लेक ही लेक है। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है 500 मीटर के आसपास बीच भी है तो घूमने फिरने लायक बढ़िया जगह है। अब कई बार होता है कि कैंपस बढ़िया डेवलप्ड अभी ना हो, ऑन प्रोसेस हो, बट ग्रीनरी उन सारे कॉलेजेस में देखने को मिले, मतलब कुछ ना कुछ प्रोज होता है। बट इस कॉलेज में एक रिव्यू में हमें सुनने को मिला कि एक सिंगल पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ऑफकोर्स एक दो मिल जाएगा बट बहुत कम, ना के बराबर पेड़ है, तो ग्रीनरी की भी इस कॉलेज में थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत लग रही है। हाँ अगेन अगर आप इस एनआईटी पुडुचेरी के कोई स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास कुछ लेटेस्ट अपडेट है या फिर मेरे किसी बात से सहमत नहीं हो, आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपका अपना ओपिनियन क्या है, आपका अभी तक का कॉलेज लाइफ क्या रहा है, क्या सारी चीजें रही हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बात कर लेकर इनके एक्टिविटीज एंड फेस्ट की, तो एनआईटी है तो बेसिक एक्टिविटी तो होना तय है, आपको कल्चरल क्लब्स टेक्निकल क्लब्स देखने को मिल ही जाएंगे, तो एक्टिविटीज होंगे। यहाँ के सीनियर सपोर्टिव बताए गए हैं,
और ऊपर से फेस्ट की अगर हम बात कर ले तो एनुअल फेस्ट इनका कल्चरल फेस्ट भी होता है, स्पोर्ट्स मीट भी करा ही लेते हैं, टेक फेस्ट सब कुछ हो जाता है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यही सारी चीजें, मोटा मोटा कैंपस बढ़िया है, प्लेसमेंट्स ओके ओके है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट प्लस पॉइंट ये है कि 2010 के बहुत सारे बाद वाले एनआईटीज में परमानेंट कैंपस नहीं होता, बट इस कॉलेज में है, यानी कि उन सारे कैंपसेस से आपको जल्दी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है इस कॉलेज में। कुछ स्टूडेंट का रिकमेंडेशन है कि 2026 से पहले इस कॉलेज में एडमिशन ना ही लो तो बेटर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्लेसमेंट्स में भी अभी हमें तेजी देखने को मिली है, बट अभी इस साल 2023 में, अभी जो 2023-24 का बैच का प्लेसमेंट चल रहा है, इसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी जो प्लेसमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, इससे आप प्लेसमेंट जज मत करिएगा किसी भी कॉलेज के, क्योंकि इस साल बहुत सारे लेऑफ्स हो रहे हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि क्यों इस साल प्लेसमेंट्स बढ़िया नहीं हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी IIT, NIT, IIIT किसी भी कॉलेज की ले लीजिए। खैर अब बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।